आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टाटा नैनो को सेकंड हैंड में परचेज करना चाहिए एंड बहुत लोग के डाउट्स आते हैं कि सर टाटा नैनो को सेकंड हैंड में किस प्राइस पर परचेज करना चाहिए और क्या इस कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। वेल, अगर बात करते हैं हम टाटा नैनो की तो ये पूरे वर्ल्ड की एक सबसे सस्ती कार थी। मात्र 1 लाख रुपये में टाटा नैनो आता था, बट लोगों की मेंटेलिटी ने, लोगों के ईगो ने इस कार को डिसकंटिन्यू करवा दिया क्योंकि लोगों ने इसको लखटकिया का टैगलाइन दे दिया जिसके चलते और लोग इसको लेने के बजाय सेकंड हैंड कार लेना प्रेफर करने लगे। बट ये कार लिटरली बहुत अच्छी थी, इस कार का इंजन भी काफ़ी अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी इस कार में, और जो माइलेज ये कार निकाल रही थी CNG और पेट्रोल में ये कोई और कार नहीं निकाल रही थी। स्पेशली ये कार हम इंडियंस के लिए एक वरदान के रूप में था क्योंकि इस कार का मेन मोटो ये था कि जो लोग बाइक से चल रहे हैं उनका भी कार का सपना पूरा हो। वहीं अब आज बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सेकंड हैंड में हमें टाटा नैनो लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो, नो डाउट कार काफ़ी अच्छी है। बट जब भी आप टाटा नैनो को सेकंड हैंड में परचेज करें, आप इसके इंजन को, आप इसके बॉडी लाइन वगैरह को काफ़ी अच्छे से चेक कर लें या आप किसी अच्छे मैकेनिक को साथ में लेके जाएं, तब आप टाटा नैनो को परचेज कर लें। वहीं अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो आप टाटा नैनो को 25,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में ही परचेज करें क्योंकि इस कार का ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गया है। अगर 2015-16 का बिल्कुल मिंट कंडीशन में है तो आप 1 लाख रुपये तक चढ़ सकते हैं। इससे नीचे के मॉडल को आप 60 से 70,000 रुपये के आसपास आप परचेज करने की कोशिश करें। एंड अगर आपको कोई CNG टाटा नैनो, क्योंकि टाटा नैनो में फैक्ट्री फिटेड CNG आती थी, अगर 2015-16 का मॉडल आपको मिल जा रहा फैक्ट्री फिटेड CNG के साथ तो आप उसको ज़रूर ले लें क्योंकि टाटा नैनो का CNG में माइलेज 40 km/kg तक का है। एंड शायद आप शॉक हो गए होंगे कि 40 km/kg का माइलेज किसी कार का। हाँ भाई, ये सच है क्योंकि इसमें 624 cc का इंजन आता है और ये कार पेट्रोल में भी 25 से 30 km/l का माइलेज निकाल देती थी एंड CNG में ये 40 km/kg तक का माइलेज निकाल रही है। अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली में किसी के पास टाटा नैनो होगा CNG वाला तो आप उनसे पूछ सकते हो। वहीं अब लोग पूछते हैं कि क्या इसके स्पेयर पार्ट वगैरह अवेलेबल है, तो हाँ टाटा नैनो का हर एक स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएगा। बट वहीं अगर आप किसी रूरल एरिया से हैं तो आपको वहाँ पर लोकल मार्केट में स्पेयर पार्ट मिलने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट आजकल ऑनलाइन भी स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जा रहे हैं। अगर आप अपनी पहली कार या आप कोई एक छोटी कार सिटी यूज के लिए या कहीं भी फैमिली यूज के लिए आप परचेज करना चाहते हैं तो टाटा नैनो आप ले सकते हैं। कार काफ़ी अच्छी है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है। आपने शायद बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे टाटा नैनो के अदर ब्रांड की कार्स के साथ, उसमें टाटा नैनो ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये था आज के इस वीडियो में सेकंड हैंड टाटा नैनो के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।